मिस्र में कम मतदान के बाद लोगों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक अतिरिक्त दिन दिया गया है। पिछले साल राष्ट्रपति मोर्सी को पद से हटाने वाले सेवानिवृत्त फील्ड मार्शल अब्देल फतह अल सीसी के आसानी से जीतने की उम्मीद है। सोमवार को पहले दिन हुए कम मतदान की खबरों के बाद सीसी के समर्थकों ने लोगों से वोट के लिए निकलने की अपील की, वहीं इस्लामी चरमपंथियों ने मतदान का बहिष्कार किया है। दक्षिण कोरिया के एक अस्पताल में बुधवार तड़के आग लग जाने से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना जेंगसियांग काउंटी स्थित ह्योसांग अस्पताल में हुई, जो डेमेंशिया और पक्षाघात से पीड़ित लोगों के उपचार के लिए जाना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान खत्म करने के बाद भी वहां अपने 9800 सैनिक बनाए रखने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका की योजना 2014 के अंत तक अफगानिस्तान से अपने 32,000 सैनिकों की संख्या घटाने की है। अमेरिका 2016 के अंत तक अफगानिस्तान से अपने लगभग सभी सैनिक हटाना चाहता है, हालांकि इसका फैसला नए अफगान राष्ट्रपति करेंगे।